गाइस ये एग्जांपल भी देख लेते हैं, अच्छा है, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, लेकिन आप लोगों से बच के नहीं जाएगा क्योंकि आप लोगों ने सब पढ़ रखा है इस तरह का। देखो क्या है, सोल्व करेंगे इसको, जैसा कहे बिल्कुल वैसा करते चले जाओ, अगर कहीं रुक जाओ तो भाई मुझसे कह देना। इसमें क्या रखा कि एक कार है जो ट्रैवलिंग कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ को जा रही है, ठीक है, एंड अलोंग द हाईवे मेक्स अ राइट टर्न। हाईवे पे चल रही थी नॉर्थ की तरफ को, ठीक है, उसने फिर राइट टर्न लिया ऑन टू अ साइड रोड दैट हैड्स ड्यू ईस्ट। तो वो चलते चलते उसने ईस्ट की तरफ को एक रोड था उधर को टर्न ले लिया। अब क्या कह रहा है, इट टेक्स 50 सेकेंड फॉर द कार टू कंप्लीट टर्न, टर्न को कंप्लीट करने में 50 सेकेंड लग गए। एट द एंड ऑफ 50 सेकेंड, 50 सेकेंड के बाद जो कार की स्पीड है वो है 15 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ को, क्योंकि साइड रोड जो है वो उसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ को है, तो भाई ईस्ट की तरफ को जाए। हमसे कहा डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन, तो एवरेज एक्सीलरेशन बताना। तो एवरेज एक्सीलरेशन के लिए ये शर्त है कि आप चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले इसका आपको डायरेक्शन के साथ इसका आप प्लॉट कर दोगे फिगर। तो ये हमारे पास जो ईस्ट की तरफ को वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। लेट अस सपोज कि ये V1 है, एंड नॉर्थ की तरफ को कितनी हुई, नॉर्थ की तरफ को जो हुई थी वो हुई थी 15 मीटर पर सेकेंड, जो कि फाइनल है। तो ये लेट अस सपोज कि ये V2 है, ठीक है, V1 आपके पास है, बिल्कुल है, V2 आपके पास है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी निकल कर आएगा, ये चेंज इन वेलोसिटी निकल कर आएगा। अगर ये आपके पास O है, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, तो ये BC जो है ये चेंज इन वेलोसिटी होगा। डायरेक्शन थी शुरुआत में नॉर्थ की तरफ को था, बाद में ईस्ट की तरफ को हो गया। तो देखो नॉर्थ टू ईस्ट ये आपने बना दिया, इसको निकालोगे कैसे निकल कर आएगा, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकल कर आएगा, तो आप ट्राइंगल लॉ लगा दो वेक्टर का। कैसे, उससे पहले आप कहोगे लेट से V1 वेक्टर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड V2 वेक्टर, इसको 20 मीटर पर सेकंड आपने दिखा दिया, इसको वेक्टर फॉर्मेट में दिखाओगे तो क्या दिखाओगे, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये है OB एंड V2 जो है V2 ही कितना है 15 मीटर पर सेकंड, और इसको क्या दिखाओगे आप OA। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फिगर BA जो है ये चेंज इन एक्सीलरेशन होना चाहिए। तो लगा देते हैं ट्राइंगल लॉ से, बाई यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर, लगाए मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर। क्या ट्राइंगल लॉ क्या कहता, OA जो साइक्लिक वाले हैं उनको आप एक साथ लिख लो, तो यहाँ पर साइक्लिक जो है वो है OB जो कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर BA बी से A की तरफ को है डायरेक्शन वैक्टर की, और ये बराबर होगा जस्ट उल्टे वाले के, उल्टा है आपके पास OA जो कि साइक्लिक नहीं है। देखो ये साइक्लिक था ऐसे, लेकिन ये जो है साइक्लिक नहीं है, तो ये रिजल्टेंट होगा फिर OA एक तरह का। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए BA, तो BA की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो BA क्या निकल कर आ जाएगा, OA माइनस OB। OA की वैल्यू कितनी है, OA O से A तक, OA आपके पास 15, इसको कहो V2 माइनस V1, ये चेंज इन वेलोसिटी निकल कर आ चुका आपके पास BA। आई होप आपने मेरी बात समझ ली होगी, लेकिन आपको क्या निकालना, आपको एक्सीलरेशन निकालना। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपको चेंज इन वेलोसिटी, ये कौन सा क्वेश्चन था, एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी आपके पास आ चुकी है। अब आपको करना क्या, BA आपके पास है, बिल्कुल है, अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे BA की वैल्यू, मैग्नीट्यूड निकालो BA का। अगर BA के मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू। उसके लिए आपको एज ए स्केलर इसको लेना पड़ेगा, स्केलर इसको ले लो, मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड जो होगा वो भाई या तो आप पाइथागोरस देख लो, या आपको पता है दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपको अच्छे से पता है। क्या क्या पता है, देखो मैं लिख रहा हूँ, BA जो है इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो किस किस के बराबर होगा, OB का स्क्वायर प्लस OA के स्क्वायर के, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात चली तो आप इसकी लेंथ देखोगे, इसकी भी लेंथ देखोगे, तब आपके पास ये निकल कर आ जाएगा। अब OB जो है, OB ये आपके पास 20 है, तो 20 का स्क्वायर
और ये है आपके पास 15 और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ये बी ए निकल कर आ जाएगा, बी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, जल्दी से बताओ, 401 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर 225 एक हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास स्क्वायर रूट 625। और आपको तो पता है 625 किसका होता है, 25 का, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या ये वाली बात आपने समझ ली? तो चेंज इन वेलोसिटी जो निकल कर आया है वो आपके पास कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड। बी ए ये चेंज इन वेलोसिटी है, जिसको आप कहोगे क्या कहोगे, V2 माइनस V1, और इसका मैग्नीट्यूड है ये, तो मैं इसको यहाँ दिखाना चाहूँगा, तो ये है V2 माइनस V1। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करूँगा तो कितना निकल कर आया ये, 25। बस आपको अब चाहिए क्या, आपको चाहिए एवरेज एक्सीलरेशन। तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड किसका, V2 माइनस V1 का, अपॉन टाइम है t। V2 माइनस V1 निकल कर आ चुका आपके पास कितना, 25 निकल कर आया ना, आई हो 25, हाँ, तो ये आ चुका है आपके पास 25, और नीचे टाइम कितना आपके पास, 50, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो भाई आपके पास एवरेज एक्सीलरेशन की वैल्यू आ चुकी है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने पूरा क्वेश्चन देख लिया, आपने सॉल्यूशन देख लिया, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बस यही कमी कर दी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा लो, और वीडियो को ठोक दिया करो शेयर, लाइक भी ठोक दिया करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। तो भाई आपके पास चेंज इन वेलोसिटी आपके पास था, आपने एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लिया, हमसे यही पूछ रहा था। तो ठीक है, हमारा ये जितने भी एग्जाम्पल प्रॉब्लम थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब बात आती है इनके प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस की, उनको भी जल्दी से लगा लेते हैं, लेकिन उससे पहले शेयर ठोक दो यार।